नमस्ते एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलिंग इंडस्ट्री का सबसे लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट के बारे में, जो बड़े स्पेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बड़े प्लेसेस को कूल करने के लिए बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर कोई चीज़ है ना, तो वो है डक्टिंग। डक्टिंग वाले कूलर्स के थ्रू जो डक्टिंग होती है, ये कोई नॉर्मल कूलर्स नहीं है, ये थोड़े एडवांस्ड कूलर्स रहते हैं। इस सेगमेंट का लीडर सिम्फनी लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन्होंने एक फैंसी सा नाम दिया है वेंटी कूलिंग, बाकी है ये डक्टिंग वाले सिस्टम्स ही। सबसे पहले इनकी यूएसपी है, ये एक फाइनेस्ट कूलिंग का तरीका है बड़े स्पेसेस के लिए। फैक्ट्रीज और टेम्पल्स, मॉस्क, हॉस्पिटल्स, बैंकवेट हॉल्स, शोरूम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैं खुद ऐसी कोचिंग में पढ़ा हुआ हूँ जहाँ पर डक्टिंग यूज़ होती थी, और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एसी में थोड़ी सी सुस्ती आती है, लेकिन ये वाली वेंटिलेटेड कूलिंग रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक डक्ट में से हवा आ रही है ठंडी, और एक खिड़की या एग्जॉस्ट फैन में से गर्म हवा बाहर जा रही है। इवन रेजिडेंसेस में जो ड्यूप्लेक्स घर बनते हैं, उस ड्यूप्लेक्स को एयर कंडीशनिंग से कूल करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो ओपन स्पेस रहता है। सो ये वहां पर बहुत सक्सेसफुली काम करता है डक्टिंग। सेम स्पेस को जब एसी से कूल किया जाएगा ना, और सेम स्पेस को जब डक्टिंग से कूल किया जाएगा, तो डक्टिंग में सेम टाइम के लिए दोनों को चलाया जाएगा, तो डक्टिंग में 90% बिजली का बिल कम आएगा। मतलब अगर आपका बिल एसी चलाने में उस जगह को महीने का 3,000 रुपये आ रहा है, सो डक्टिंग में केवल 300 रुपये बिल आएगा, केवल 300 रुपये। सो इस चीज़ को ये लोग कैसे मार्केट करते हैं, 1 रुपी पर स्क्वायर फिट। मतलब इनकी स्क्वायर फिट के हिसाब से मशीन्स की कैटेगरीज है, 800 फिट, 1,000 फिट, 2,000 फिट। मतलब अगर आप 1,000 फिट को कूल कर रहे हैं, सो ऑन एन एवरेज ये मानते हैं कि 8 से 10 घंटे एक दिन में आप इसको रन करेंगे, सो महीने का बिल आपका 1,000 रुपये आएगा। 1,000 स्क्वायर फिट को कूल करने वाली अगर मशीन आपने ली है, तो महीने का बिल लगभग 1,000 रुपये के आसपास आएगा, और 2,500 वाली ली है तो लगभग 2,500 के आसपास आएगा, अगर आप 2,500 स्क्वायर फिट एरिया को कूल कर रहे हैं। अब कूलर से कूलिंग करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, लेकिन अगर एक आउटर फ्लो है एयर का, तो वो ह्यूमिडिटी रिटेन नहीं होगी, और फिर भी ह्यूमिडिटी तो क्रिएट होगी, 1% तो होगी। सो ह्यूमिडिटी क्रिएट होने से बोलते हैं कि कोरोना वायरसेस वगैरह भी न्यूट्रलाइज होते हैं। सो इस चीज़ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से मार्केट किया है। प्लस ये लोग बोलते हैं कि जो वेंटिलेटेड कूलिंग होती है ना, वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें जो इंसान की प्रोडक्टिविटी होती है, इंसान की जो हेल्थ होती है, वो ज़्यादा अच्छे से बनी रहती है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड कूलिंग। और एसीज़ जो होते हैं ना, वो क्लोज्ड कूलिंग में काम करते हैं, उनको पूरा क्लोज्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तभी वो बेटर कूलिंग कर पाते हैं। प्लस यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंसान को 24 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है ना, वो सेफ और सफिशियंट है। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कॉन्स्टेंट फ्रेश एयर का फ्लो होता है ना, वो इन्फेक्शंस को रोकने में मदद करता है। मतलब जैसा कि मैंने बताया, कांस्टेंट एयर का फ्लो रहेगा तो बीमारियां वगैरह घर में नहीं आएगी, बिकॉज वो एयर सर्कुलेट होती जाएगी, फ्रेश हवा अंदर आती जाएगी। आप इसको अगर बड़े फैक्ट्री में लगाएंगे जहां बहुत सारे लेबर्स काम कर रही है, सो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी यहां पर लिखा है 12% से इंक्रीज हो सकती है, ये एक IIM अहमदाबाद की रिसर्च ने कहा है। एंड नासा वाले भी बता रहे हैं कुछ कि इतना अगर बॉडी टेम्परेचर है, तो इतना इसका आउटपुट होगा। मतलब इफेक्टिव टेम्परेचर अराउंड, अपने इंसान के सराउंडिंग जो टेम्परेचर है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है उसकी प्रोडक्टिविटी से। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी कम प्रोडक्टिविटी होगी। सो वेंटिलेटेड सिस्टम्स टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर को लेकर आएंगे आपके एनवायरनमेंट में। मतलब एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इवन काम कर रहे हैं। अगर बड़ा स्पेस होता है 15,000 स्क्वायर फिट का, इतने बड़े बड़े स्पेसेस को एसी से कूल करना इज नॉट पॉसिबल। सो वहाँ पर आती है ये डक्टिंग सिस्टम्स, वो भी कूलर्स के थ्रू। डक्टिंग एसीज में भी आती है, डक्टिंग कूलर्स में भी आती है, लेकिन एसी वाली डक्टिंग अगेन महंगी पड़ती है। सो ये वाली डक्टिंग सस्ती पड़ती है, इफ़ेक्टिव है, और बिजली का बिल भी बहुत बचाती है। सो नासा वाले यहाँ पर बता रहे हैं कि ये देखो, ये टेबल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी कि इतनी अगर टेम्परेचर इतने के इतने होता है, तो प्रोडक्टिविटी कितनी कितनी कम होती जाती है, परसेंटेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेम्परेचर है
29 डिग्री सेल्सियस, तो लॉस ऑफ वर्क आउटपुट रहेगा 18% और एक्यूरेसी का लॉस रहेगा 40%। यही टेम्परेचर अगर 41 डिग्री पहुंच गया तो वर्क आउटपुट 79% से लॉस हो जाएगा और एक्यूरेसी 700% से लॉस हो जाएगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सो शायद वो एक्यूरेटली काम ना कर पाए। सो आइए यार बात करते हैं इनके कुछ मॉडल्स के बारे में फटाफट से। सो इनका ये वाला मॉडल आता है 800 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर लेता है, ये वाला मॉडल आता है 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर लेता है। प्लस ये लोग दे रहे हैं लाइफ टाइम कैबिनेट वारंटी, मतलब जो आपका जो डक्टिंग का जो कूलर होगा वो या तो छत पे पड़ा होगा या बिल्डिंग के बाहर पड़ा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज कूलर को हम अंदर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, कूलर बाहर पड़ा होगा बेस्ट परफॉर्मिंग कूलर रहेगा। सो बाहर पड़ा रहेगा तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सनलाइट के पूरा पूरा दिन, सो उसकी बॉडी हार्म ना हो। ये प्लास्टिक इस क्वालिटी का इन्होंने दिया है कि लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। उसकी कुछ कंडीशंस है, मेरे हिसाब से वो लाइफ टाइम का मतलब है 7 साल की वारंटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है ये 20 Cool 10U, ये 1000 स्क्वायर फिट के लिए है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले इनके रिसेंटली लॉन्च मॉडल है, बिकॉज बड़ी वाली मशीन्स आती थी उनका खर्चा 1.5 लाख 1.25 लाख तक चला जा रहा था जो 2000 स्क्वायर फिट वाली मशीन थी, इसीलिए 2021 में ही इन्होंने लॉन्च किया ये 800 और 1000 स्क्वायर फिट वाली मशीन्स, जो कि आपके घर में भी ड्यूप्लेक्स घर जो होते हैं उसको कूल करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इवन रूम्स को भी लोग कूल करने लगे हैं आजकल, जैसे आपके 2 बेडरूम हॉल किचन वाला अगर एरिया है तो हर रूम में डक्टिंग लगवा दी, सो पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, बस वेंटिलेशन की ज़रूरत है, कूलिंग वेंटिलेटेड रहेगी। मतलब अगर आपको 400 से 800 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करना है तो आपका जो ओवरऑल जो खर्चा आएगा ना वो 70,000 के आसपास आएगा या उससे कम ही आएगा। सो इसीलिए ये एक बजट फ्रेंडली, मैं आपको फोटोज़ में शो कर देता हूँ एक ड्यूप्लेक्स घर में ऊपर जो छत से डायरेक्ट सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है उसकी मैं पिक्चर्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सो क्या होता है कि जो ड्यूप्लेक्स होता है ना घर का, आजकल जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं उस एरिया के नीचे जनरली डाइनिंग स्पेस या बैठने का स्पेस होता है, सो वहाँ पर कूल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर उस ड्यूप्लेक्स के ऊपर से ही हवा नीचे आएगी सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, बहुत शानदार कूलिंग हो जाती है और बहुत कम बिजली का बिल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनके जो रेगुलर मॉडल्स आते थे जो काफ़ी सालों से अवेलेबल है मार्केट में, वो ये 2000 स्क्वायर फिट वाला एंड ये 2500 स्क्वायर फिट वाला, केवल एक सिंगल मशीन और 2500 स्क्वायर फिट का एरिया कवर कर लेगी। इस मशीन को लगाने का खर्चा लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है डक्टिंग मिला के, मतलब अगर 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है तो डक्टिंग भी बहुत सारी लगेगी, सो उस डक्टिंग को मिला के, लेकिन ये एक वन टाइम कॉस्ट है। 2500 स्क्वायर फीट का अगर आप एसी लगवाने जाएंगे ना तो कम से कम भी आप मान के चलो 4 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें केवल 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है। प्लस एसी में इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग, एसी में जो पाइपिंग्स होंगी उनकी कॉस्ट हद से ज़्यादा होती है, वो कॉस्ट भी अलग, इसमें सारा इंक्लूडिंग एवरीथिंग 2.5 लाख में हो जाएगा। मतलब एसी में जो काम 4.5 लाख में होगा वो यहाँ पर 2.5 लाख में हो जाएगा। प्लस 2500 स्क्वायर फिट के एसीज को अगर आप रोज चलाएंगे तो महीने का बिल आएगा कम से कम भी 20-25,000 और यहाँ पर केवल 2500 रुपये मंथली बिल आएगा। सो एक फैक्ट्री के लिए कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, कॉस्ट सेव करनी होती है एक बिजनेस को टाइम टू टाइम। सो एक बिजनेस के लिए या एक फैक्ट्री के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए जिसको अपना पैसा बचाना है, मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस बचाने, उन लोगों के लिए एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। देन इनका ये आ जाता है एक मूवी कूल प्रोडक्ट, बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है, इन्होंने व्हील्स लगा दिया। 2000 स्क्वायर फिट वाली मशीन थी ना, उन्होंने उसके वहाँ पर ही एक डक्ट लगा के छोटा सा ओपन डक्ट लगा दिया और नीचे व्हील्स लगा दिए। जैसे फैक्ट्री है, अब उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब उसमें लेबर एक ही स्पेस में काम कर रहे हैं, फिर कभी इस स्पेस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि कहीं पर भी इसको मूव करके ले जा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये इनका मॉड्यूलर जो डक्ट होता है ना वो भी काफ़ी बेटर क्वालिटी का है, जो बाज़ार में मिलते हैं एल्यूमिनियम के डक्ट्स उनसे बहुत हाई लेवल क्वालिटी का यहाँ पे हमें मॉड्यूलर डक्ट देखने को मिलता है। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने शो किया हुआ है, समर विंटर मॉनसून कोई सा भी सीज़न हो इस डक्ट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। स्मूथ एयर फ्लो मेंटेन रहता है, क्विक इंस्टॉलेशन हो जाता है, लीकेज प्रूफ डिज़ाइन है, इंसुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। इनके यहाँ पर मेंशन किए हुए अलग अलग पार्ट्स,
यहाँ पर इन्होंने ये एल्बो दिया हुआ है जहाँ पर बेंड करना है, माउथ पीस दिया हुआ है, मॉड्यूलर डक्ट दिखाया हुआ है, फ्रंट ग्रिल दिखाया हुआ है। और ये कंपनी इतनी एडवांस्ड है ना डक्टिंग करने में कि इन्होंने रिमोट तक एम्प्लॉय कर दिए हैं, जो रिमोट से आप अगर आप चाहें ना कि मेरे को इस रूम में डक्ट चलाना है, इस रूम में नहीं चलाना है, वो भी इन्होंने सब सेटअप करके रखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं डक्टिंग अपने घर या अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने रिलीजियस किसी प्लेस के लिए, तो आप डेफिनेटली इस सिम्फनी ब्रांड को ट्राई करें, बहुत कमाल की क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने की एक्सेसरीज भी रेडी रहती है, हर समय हर अपॉर्चुनिटी के लिए ये लोग तैयार खड़े रहते हैं। इस तरीके के स्टैंड्स इनके खड़े रहते हैं कि अगर दीवार के बाहर हमें लगाना पड़े, ऑफिस बिल्डिंग के बाहर लगाना पड़े, फैक्ट्री बिल्डिंग के बाहर लगाना पड़े, प्लस अगर ऊपर जगह है तो ये आप फोटो में देख सकते हैं ऊपर की तरफ से डक्टिंग कूलर के नीचे से हवा आएगी, अगर नीचे की तरफ जगह है तो कूलर के ऊपर से हवा जाएगी। मतलब यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन है, बहुत इजी कर देता है प्रोसेस को और आपका काम भी फटाफट कर देता है। यहाँ पर 6 तरीके के इंस्टॉलेशन दिए हुए हैं एक ही मशीन के थ्रू, 6 टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। सिक्स्थ नंबर की जो पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर विंडो को ओपन किया हुआ है। एयर आउटलेट ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इस तरीके के साइड एयर आउटलेट चाहिए आपको, बॉटम एयर आउटलेट चाहिए वो भी हो जाएगा, एयर नोजल चाहिए, सब मॉल्स वगैरह में आपने ये नोजल वाले आउटलेट्स देखे होंगे। यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे घर में डक्टिंग हो रखी है, प्लस यहाँ पर योगा कर रहे हैं लोग, योगा रूम में हो रखी है, जिम्स वगैरह में हो सकती है डक्टिंग। इंस्टॉलेशन के कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फैक्ट्री में जैसे इंस्टॉल करते हैं ये लोग, उस तरीके के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और यहाँ पर कुछ इनकी टाइमलाइंस दी हुई है सिम्फनी ने क्या क्या किया है अब तक अपनी ज़िंदगी में, एंड यहाँ पर इनके ग्लोबल कस्टमर्स दिए हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, वॉलमार्ट हमें देखने को मिल जाएगा, टाटा स्टील देखने को मिल जाएगा आपको, नाइका देखने को मिल जाएगा, और वोल्टास कंपनी जो एसी बना रही है वो खुद डक्टिंग करवा रही है अपनी फैक्ट्रीज में, वोल्टास। सो इमेजिन पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। आईआईएम अहमदाबाद में भी इन्होंने डक्टिंग की हुई है। सो यहाँ पर इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कितना एयर फ्लो है, किस मशीन का क्या एयर फ्लो है। डिस्क्रिप्शन में मैं ब्रोशर का लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने प्राउडली मेंशन किया है कि 1,000,000+ इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, मतलब 1,000,000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। अब क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा जो रेगुलर डक्टिंग आपको लोकल मार्केट में मिलेगी ना, उससे काफ़ी प्राइजी है, लेकिन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, पावर एफिशिएंसी सब कुछ इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इतना ही था यार इस वाले वीडियो में। सिम्फनी ब्रांड एक माना हुआ ब्रांड है इंडिया का। सो डक्टिंग अगर आप देख रहे हैं अपने एरियाज़ के लिए, जो भी मैंने मेंशन की, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने जिम के लिए, अपने योगा सेंटर के लिए, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस के लिए, सो आप सिम्फनी ब्रांड की तरफ जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।